भाई सुनो, किंग के लिए कुछ बात कर ली है आपसे, मुद्दे बड़े बड़े चल रहे हैं, बट उससे पहले मैं कुछ बोलूं, आप पहले तो ये देख लो, देखो ये ध्यान से देखो, लुक तो देख रहे हो भाई, देखो मेरी बात सुनो, इसको करो बंद। तो आजकल कॉपीराइट का भी चक्कर है ना, तो कोई क्लिप घुसा भी नहीं सकते, कोई भी उठा के कॉपीराइट मार देता है, बट एनीवेज मुद्दा वो नहीं है भाई। देखो भाई, दो खेमे बट चुके हैं, एक जर्नलिस्ट ने आके परसों तरसों शोर मचा दिया भाई, किंग मूवी का कुछ अनाउंसमेंट नहीं होने वाली है। अब मैं ये सोच रहा हूं, मैंने कहा यार अगर अनाउंसमेंट नहीं होगी तो ये तो बड़ा धोखा हो जाएगा यार फैंस के लिए, और फैंस भी छोड़ो, थोड़ा लाइमलाइट में और थोड़ा टॉक्स में ना बने रहने के लिए भी, कि आपकी कोई पिक्चर आ रही है ना, एक ग्लिम्स तो बनता है। बड़ी पक्की होगी खबर कैंसल्ड, पर मेरा दिल नहीं मान रहा था, मेरा दिल आज भी नहीं मान रहा। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आप पीछे जो ये पोस्टर देख रहे हो ना, ये जो फोटो है, इसमें लुक देखो शाहरुख खान का, यार ये ग्रे बियर्ड आ चुकी है पीछे, अभी जो मैंने आपको फोन में दिखाया वो पूरा पीछे से ग्रे हो चुका है भाई, ये कुछ खूफिया चल रहा है और ये कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है, और ये मुझे एटलीस्ट एक्सपेक्टेड था कि भाई इस मूवी के लिए कुछ डिफरेंट ट्राई किया जा रहा है। अब सवाल हजारों का कि भाई, लाखों का, हजारों का नहीं, लाखों का नहीं, करोड़ों का, कि क्या हमें बर्थडे वाले दिन 2 नवंबर को कुछ देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो यार, टीजर से तो उम्मीद लगाओ मत, टीजर या 1.5 मिनट से ऊपर जो फ्लोट हो रही थी इमेजेस, उससे तो कोई आप उम्मीद लगाओ मत। उसका रीजन ये है क्योंकि शूटिंग अभी फुल फ्लेज स्टार्ट नहीं हुई, तो जब तक अगर शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई तो वो टीजर दिखाएंगे कैसे, और फिर फैंस की एक्सपेक्टेशन भी गलत हो जाएंगी कि यार टीजर दिखाने का मतलब है कुछ जल्दी आ रहा है, जल्दी कुछ आ नहीं रहा। मगर मैं आज भी अभी भी ये जरूर मानता हूं कि शाहरुख अपने फैंस का दिल नहीं तोड़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। मान लिया जर्नलिस्ट की रिस्पेक्ट है जो अपने ऑथेंटिक रिसोर्सेस से लेकर आए खबर, पर भाई 2 नवंबर को जरूर कुछ आएगा, वो कुछ भी हो सकता है, वो टाइटल अनाउंसमेंट से होके कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ इनका लुक रिवील हो सकता है। रादर मैं अपने आपको करेक्ट करूंगा, मैं बोलूंगा भाई आना चाहिए, अगर नहीं आता ना तो भाई सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट मैं होऊंगा। इसलिए नहीं कि मुझे मतलब मूवी का कुछ बहुत एसेट देखने और मार्केटिंग हो रही है, ये वो सब चीज है नहीं, वो मुझे पता है, मुझे शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई तो हमें 1 साल तो मिनिमम वैसे भी वेट करना है, मगर इसलिए कि यार आप बर्थडे वाले दिन जब हजारों की तादाद में दुनिया वहां आएगी, जनता आपके घर के बाहर आएगी, तो आप बर्थडे गिफ्ट रिटर्न में क्या दे सकते हो, सिर्फ यही कि मेरी ये आने वाली मूवी है, आप मुझे थिएटर में मिलेंगे तो आप वेट करो, मगर ये मेरा प्रोडक्ट है। अब मैं ये जरूर बात मानता हूं, कुछ आ जाते हैं, अरे नहीं यार अर्जुनी वो बड़े बड़े जीनियस बैठे हैं, भाई जीनियस वीनियस होंगे अपने ऑफिस में और अपने घरों में, मैं सिंपल सा लॉजिक लगा के आपसे बात कर रहा हूं दोस्तों, कि बर्थडे वाले दिन कुछ जरूर आना चाहिए, कुछ डालने से कुछ बहुत बड़ा ऐसा नहीं हो रहा कि कुछ बड़ा लीक हो गया या वो हो गया, एक बने रहना बहुत जरूरी है, और शाहरुख खान को ऐसा नहीं कि बने रहने की जरूरत है, लेकिन स्टिल यार वो एक 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 चीज लगा के रखो कि मेरी ये मूवी आ रही है, एक्साइटमेंट बना रहता है, और बहुत टाइम हो गया, 8-9 महीने ऑलरेडी हो चुके। एनीवेज मैं फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं, किंग को हल्के में मत लेना, जो ये लुक है वो कुछ ऐसा इस बार होगा जो आपने और मैंने सोचा नहीं होगा, चाहे वो बैकग्राउंड म्यूजिक हो, चाहे वो हमें जो लग रहा है मूवी यार ऐसी है, सुझाई गोश, वेट करो, समथिंग इंटरेस्टिंग विल कम फ्रॉम शाहरुख खान, बस आ जाए उसकी हम सिर्फ होप कर सकते हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, आपको क्या लग रहा है, आने कुछ वाला है या नहीं, और किंग का जो नया लुक है ना, जो लॉन्च पे गए अपने बेटे के ब्रांड पे, उसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताना। टेक केयर, बाय बाय।